अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अभी हम एक जगह पे घर देखने आए थे। यहाँ पे ये सेवन सिस्टर का एरिया है। इस एरिया में अभी हमने घर देखा है। ये मेरे साथ है मेरे दोस्त जुहेब भाई। ये कल ही लंदन कैसा लगा? ज़बरदस्त है। अच्छा, तो ये भी अभी कल ही पहुँचे हैं हमारे पास। और ये है कि इनके साथ अभी घर देखने आए हैं हम। एक दो जगह पे देखे हैं हमने, तो फिर अभी कुछ फाइनल नहीं किया। लेकिन ये एरिया भी बड़ा अच्छा है। और हम एक पार्क से निकल के आए हैं। वो पार्क की मैं वीडियो लाजमी बनाता, लेकिन सारा अंधेरा था उसमें, मतलब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फिर कभी उस पार्क की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी काफ़ी चल के हम आए हैं इधर एक रेस्टोरेंट पर, क्योंकि भूख लग गई है। जाहिर सी बात है, खाना दिन का जुहेब भाई ने भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। तो अभी पहले खाना खाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट है पहली दफ़ा? नहीं, इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये हमें भी नहीं पता। तो अभी हम देखते हैं कि ये सामने है जी सालिक किचन है। तो ये कुछ देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। लाहौरी कढ़ाई। अच्छा, तो देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? हाउ आर यू ब्रो? ना, आई विल नॉट टेक यू। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, डोंट कम हियर फॉर देसी फूड। भाइयो, इधर हम आए, इधर आके हम तो कोई कढ़ाई बिरयानी या कुछ इस तरह की चीज़ खाने आए थे। और मेन्यू भी है और बाहर भी आपको दिखाया जो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रेस्टोरेंट सोल्ड आउट हो गया है एक एथोपियन को। और अभी जो है ये मेन्यू, जितना भी ये मेन्यू सामने नज़र आ रहा है आपको, ये सारा मेन्यू अभी तो देसी है, बट ये सारा मेन्यू जो है वो चेंज होने वाला है। और अभी वो जाहिर सी बात है अपने कल्चर का एथोपियन फूड जो है वो यहाँ पे देगा। बट अभी फ़िलहाल जो है ये कुछ चीज़ें ग्रिल्स वगैरह और कुछ डोनर्स ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हमारी तरह धोखा ना खाएं और देसी खाना खाएं किसी और जगह से। थैंक यू ब्रो। कभी कभी हो जाता है ऐसा। और अभी यहाँ पे बैठ के इसी की रेस्टोरेंट में एक और नया रेस्टोरेंट अभी सर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई और दूसरे रेस्टोरेंट में, क्योंकि ये जुहेब भाई हैं, इनको देसी खाना इन्होंने नहीं खाया, कुछ दिन हो गए। तो देसी खाना हम ढूंढ रहे हैं कहीं से मिले। और बाकी अभी देखते हैं किसी दूसरे जगह, कुछ दूसरी जगह पे फिर पैदल चल के, क्योंकि हम तकरीबन 15 मिनट यहाँ पे पैदल चल के आए एक दूसरी जगह से जहाँ से हम घर देखने गए थे। लेकिन यहाँ पे आए तो आके जो है ये हमें सुनने को मिला। चलो, कभी कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस हो जाता है, क्या किया जा सकता है। चलते हैं दूसरे किसी रेस्टोरेंट में अभी और फिर आपको रिसेप्ट। हम पहुँच रहे हैं एक अदर रेस्टोरेंट पे। ये भी हम तकरीबन 20 मिनट हमने लगाए हैं। और यही है, इधर आओ जी, ये जी 20 मिनट लगा के हम पहुंचे हैं जी इधर। लाहौर कढ़ाई, कोयला कढ़ाई। तो देखते हैं जी कोयला कढ़ाई मिलती है या कौन सी कढ़ाई मिलती है। तो अभी हम एक नए रेस्टोरेंट पे आए हैं। उम्मीद है कि कुछ चीज़ें अच्छी मिलेंगी। कुछ चीज़ें लग तो रही हैं पड़ी हुई, सही है ना मामला? हाँ, कुछ है ठीक है। चलते। तो दोस्तों, अभी हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं खाने का। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और ये है लाहौर चिकन कोयला, लाहौर चिकन या जो भी है, लाहौर कढ़ाई। तो अभी तक लेके नहीं आ रहे, लेके आएंगे अभी तो खाएंगे हम। बड़ा जो है भाई जी, कितनी भूख लगी थी? बहुत लगी है, ना पूछो। चलो जी, वेट करते हैं। बाकी बैठने की यहाँ पे जगह तो बड़ी अच्छी है। और देखते हैं बाकी खाना वगैरह इनका कैसा है। रिव्यूज़ वगैरह तो हमने चेक किए हैं, अच्छे हैं। और खाना तो अभी खाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो दोस्तों, खाना आ चुका है अभी हमारा। ये आई है जी कढ़ाई, और ये है जी चिकन टिक्का, और ये साथ चटनी और केचप भी दिया उन्होंने, और ये नान, और दूसरे एक और बटर नान भी आ रहे हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। और फिर आपसे बात करते हैं बाद में।
अच्छा दोस्तों, खाना हमने अभी खा लिया है और खाना माशाल्लाह ये सारे ही ख़त्म कर लिया और खाना अच्छा था माशाल्लाह, और स्पेशली तौर पे ये चिकन टिक्का भी अच्छा था, सालन भी अच्छा था, और ये चटनी स्पेशली तौर पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आप बताएं सर, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? यहाँ खाना बहुत ज़बरदस्त, सर्विंग एक तो बहुत अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी है, उन्होंने क्विकली सर्व किया, बस ये का टेस्ट बहुत अच्छा था। जैसे कि आपने बताया चटनी, उसका लाजवाब है, देसी बिल्कुल, और देसी आपने सही जो है ना, स्पाइसी चटनी अगर आपने खानी है तो फिर आप इस रेस्टोरेंट पे लाजमी हैं। और रेस्टोरेंट का नाम जो है और बाकी क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं वो आप देख लें, कोयला लाहौर कढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रिल आइटम्स हैं, बाकी हैं ये वेजिटेबल डिशेज़ हैं, ये समोसे पकौड़े शकोड़े भी आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा ये बाकी और चीज़ें भी, ये पूरा मैं आपको मेन्यू जो है ना वो आपके सामने कर देता हूँ, आपको अगर कोई चीज़ इसमें से पसंद आ रही हो। हम कोई मार्केटिंग वैसे नहीं कर रहे, हमें कोई फ्री में नहीं दे रहा, लेकिन इनके नान भी वैसे अच्छे थे। हाँ, नान अगर देसी आपको नान जो तंदूर में हमारे यहाँ पाकिस्तान में लगते हैं वो वाले नान अगर आपने खाने हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, तो ये भी अच्छे नान भी अच्छे थे इनके, है ना? बिल्कुल। तो चलें जी, अभी हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और जगह पर। अल्लाह हाफिज़।